हेलो एवरीवन, अभी हम लोग का आज का टॉपिक है क्रॉस रेफरेंस के बारे में, है ना। एमएस वर्ड में क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं, इसका बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका क्रॉस रेफरेंस का यूज बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, इसमें हम लोग को बहुत बेनिफिट होता है और टाइम बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली लोग यूज करते हैं। स्क्रीन पर देखिए कैसे यूज करेंगे और कब इसका यूज होगा। तो पहले समझ लीजिए कि क्रॉस रेफरेंस का हम लोग यूज कब करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बुक बना रहे हैं, कोई बुक रेडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बुक हम लोग रेडी कर रहे हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल कि हम लोग डीसीए का बुक रेडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं, है ना, इंडेक्स बनाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके हम लोग रेडी करते हैं। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसके बारे में बहुत सारा डिटेल रहेगा, 2 पेज 3 पेज 4 पेज का भी जा सकता है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, वो भी 2 पेज 3 पेज 4 पेज का ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पास हार्ड कॉपी रहता है, तो हम लोग इंडेक्स में देखते हैं कि हाँ ये चैप्टर इतना पेज नंबर में है, फिर पलटना शुरू करते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग काम करते हैं हार्ड कॉपी के साथ। लेकिन हम लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, और एमएस वर्ड में मान चलिए आप एक बुक बनाए हुए हैं और आपको पेज नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 में जाना है, तो आप क्या कीजिएगा, स्क्रॉल करते हैं नॉर्मल वे पे। अभी माउस से हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो टाइम हम लोग का जाता है, वेस्ट होता है। लेकिन अभी हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे, और इससे क्या होता है यूज कि डायरेक्टली जिस चैप्टर में आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट उस चैप्टर पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन पे हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नया पेज ले लेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आपको बता दिया गया है, पहले भी आपको इतना नॉलेज होगा बेसिक। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग पहला पेज लेंगे और उसमें हम लिखते हैं कंटेंट, कंटेंट या इंडेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स, इसको हम सेंटर में कर देते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ साइज हम बड़ा कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, बोल्ड हटा देते हैं। इस तरह से इंडेक्स मेरा बन गया। ठीक है, अब इसका जो हम स्टाइल है हम नॉर्मल इसको कर लेते हैं, जो हेडिंग है मेरा, हम हेडिंग कलर यूज करना चाहते हैं कैम्ब्रिया, साइज 20 रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 18। ठीक है, अब हम यहाँ पे चैप्टर यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली कहाँ आएंगे, इंसर्ट अ ब्लैंक पेज लेंगे, मतलब उस पेज को, फर्स्ट पेज को खाली छोड़ दिए हैं, अब डायरेक्ट सेकेंड पेज लिए और सेकेंड पेज हम लिख देंगे। माने चले कि चैप्टर 1 है मेरा, चैप्टर 1 में है पेंट। ठीक है, पेंट ले लिए और इसके बाद फिर ब्लैंक पेज लेते हैं। दूसरा पेज में मान के चलिए हम ले लेते हैं नोट पैड, तीसरा पेज में ले लेते हैं मान के चलिए वर्ड पैड, फिर चौथा पेज में ले लेते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, इस तरह से मान के चलिए हम 4 चैप्टर बना लिए, 4 चैप्टर दिख रहा होगा, यानी सबसे पहला चैप्टर में दिख रहा है पेंट, उसके बाद नोट पैड और वर्ड पैड और एमएस वर्ड, इतना हम लोग लिख लिए। टोटल पेज अभी हम लोग पास कितना है, तो टोटल पेज 5 है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पहला पेज में हम लोग कंटेंट बनाए, मतलब इंडेक्स कॉलम बना दिए हैं पहला पेज में, दूसरा में हो गया आपका, दूसरा पेज में पेंट, तीसरा में नोट पैड, चौथा में वर्ड पैड और फिर एमएस वर्ड। ठीक है, अब क्या करना है, नीचे से जो भी आपका चैप्टर है उस चैप्टर को सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 1 देखिए, होम में, होम में आप फंक्शन में क्लिक करेंगे, इधर आपको दिखाई देगा हेडिंग 1 लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर वापस जाएंगे, फिर वर्ड पैड है इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे, फिर इसमें जाएंगे, यहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर क्लिक कर देंगे, यानी सारा चैप्टर को हम लोग क्या कर दिए, सेलेक्ट कर करके हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिए। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारा चैप्टर में हम क्लिक कर चुके हैं, अब हम जाएंगे इंडेक्स वाला पेज में, यानी सबसे पहला पेज में। सबसे पहला पेज में जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस रेफरेंस, है ना, क्रॉस रेफरेंस, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग चूज करेंगे, देखिए रेफरेंस टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग चूज करना है हेडिंग, है ना। हेडिंग में जैसे क्लिक किए तो देखिए जितना भी आपका चैप्टर था पेंट नोट पैड वर्ड पैड एमएस वर्ड आ चुका है,
अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लिक करके ऐसे मूव कर लेते हैं साइड में। उसके बाद देखिए पहला पेज इंडेक्स का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेंट में क्लिक करेंगे, इंसर्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर पेंट का टी के पास क्लिक करेंगे और एक बार इंटर प्रेस कर देंगे, कर्सर नीचे आ गया। नीचे आ गया तब फिर से हम चैप्टर टू में क्लिक करेंगे, इंसर्ट क्लिक कर देंगे, फिर इसमें क्लिक करेंगे इंटर। ये प्रोसेस में बहुत लोग तो गड़बड़ी करते हैं, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। इंसर्ट किए फिर लास्ट में क्लिक करके इंटर, फिर एम एस वर्ड में क्लिक किए, इंसर्ट में क्लिक कर दिए, सारा चैप्टर हो गया। अब कोई नहीं बचा हुआ है तो क्लोज कर देंगे, इधर इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर तो बन चुका है। अब ये जो चैप्टर बन चुका है, अब इसको आप जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं, जैसा भी आप डेकोरेशन करना चाहते हैं, आप डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम ये फॉन्ट बोल रहे थे, ये फॉन्ट ले लिए, ठीक है, और साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, साइज़ मान के चलिए 18 कर लिए या 16 कर लिए, जो भी साइज़ आप रखना चाहते हैं साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कंटेंट बन चुका है। अब इसमें अगर आप नंबरिंग भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आप नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 4 5, ये जैसा आप नंबरिंग आपको पसंद आता है नंबरिंग दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी एक चैप्टर में जंप करना चाहते हैं, जैसे अभी हम जाते हैं कि डायरेक्टली मेरा इंडेक्स में देखे कि हाँ पेंट है, पेंट में हमको जंप करना, डायरेक्ट पेंट चैप्टर खोलना चाहिए, तो कंट्रोल बटन पहले प्रेस कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसा बन गया है ना, यानी हैंड फिंगर टाइप में बन गया कि एक लिंक क्लिक करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, करेंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो कंट्रोल दबा कर रखेंगे और माउस से हम क्लिक करेंगे पेंट में, देखिए डायरेक्ट पेंट चैप्टर खुल गया है ना, पेंट चैप्टर खुल गया। अब हम कंट्रोल दबा करके डायरेक्ट हम करेंगे एम एस वर्ड में, देखिए यहाँ पे अभी पेज नंबर 1 खुला हुआ है, पेज है ना 1 ऑफ 5th, यानी पहला खुला हुआ है। कंट्रोल के साथ हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे एम एस वर्ड में, डायरेक्ट एम एस वर्ड खुल गया। ठीक है, देखिए 5th ऑफ 5th दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसका यूज, क्रॉस रेफरेंस का इसका यूज होता है बहुत सारे, नोट्स रेडी करने में, बुक रेडी करने में है ना, प्रोजेक्ट रेडी करने में, कंटेंट का हम लोग यूज करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीका से, और प्रैक्टिस एक बार में आपका हो जा रहा है बहुत अच्छा, नहीं तो 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, और अच्छा से वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप, आराम से आपसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।